हेलो स्टूडेंट्स मैं वैभि तरमारे लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में आज के सिक्स लेक्चर में हम टाइप नंबर थ्री के सिंपल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ओके पिछले लेक्चर में हम टाइप नंबर टू के चार न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे आई होप आप सभी ने वो चारों न्यूमेरिकल के जो होमवर्क दिए हुए थे वो सॉल्व किए हो गए दिज आर दी लर्निंग आउटकम्स डिटरमाइन दी दिलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन एंड इफिशेंसी दिज आर दी प्रोग्राम आउटकम्स डेट इज गोइंग टू बी अचीव्ड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर लेटस स्टार्ट फर्स्ट न्यूमरिकल ऑफ टूडे लेक्चर पढ़िए क्या दिया है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दी दी लॉ ऑफ मशीन इज पी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री डब्लू प्लस ट्वेंटी इन न्यूटन फाइंड मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैक्सिमम इफिशियन सो दिस इज दू टाइप ऑफ ए क्वेश्चन आज का लेक्चर इसमें हम लॉ ऑफ मशीन के आधारित न्यूमरिकल को सोल्व करने वाले है तो जो भी न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं अवर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द गिवन डाटा ओके सो सबसे पहले हमको विलोसिटी रेशियो दिया हुआ है कितना फिफ्टी फिर लॉ मशीन दिया हुआ है P इक्व टू जीरो दशमलव प्लस ट्वेंटी हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो टू फाइंड मैक्सिमम एम ए मतलब एम ए मैक्सिमम हमें चाहिए और इफिशियंसी मैक्सिमम हमें निकालने के लिए बोल रहे तो सर ने क्या बोला था सर ने क्या बोला था सर ने आपको यह बोला था कि जो आपको निकालना है सबसे पहले उसका फार्मूला लिखिए तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला हमने पढ़ा है डिवाइडेड बाय तो गिवन में स्मॉल एम um हमें दिख रहा है क्या अभी नहीं दिख रहा है मैक्सिमम इफिशियंसी का फार्मूला क्या है हंड्रेड डिवाइडेड बाय एम इंटू वी आर तो हमारे पास यहाँ पे भी एम नहीं है वी आर है तो इस क्वेश्चन में विलन कौन है एम विलन इज एम तो एम कहां पे रहता है हमें पता है लॉ ऑप मशीन में हमको एम मिला था दिस इज मशीन क्या है पी इक्वस टू एम डब्लू प्लस सी हमें लॉप मशीन क्या दिया है P बराबर है तो हमें लॉ ऑफ मशीन जो दिया है उसको हमें क्या करना है स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन से जो लॉ ऑफ मशीन दिया है उसको हमें स्टैंडर्ड लॉफ मशीन से क्या करना है कंपेयर करना है तो करते हैं अभी देखिए इस पी के जगह पे पी है एम के जगह पे क्या दिख रहा है आपको 0.033 W के जगह पे क्या दिख रहा है डब्ल्यू और सी के जगह पे क्या दिख रहा है 20 तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि हमें एम की वैल्यू मिली है 0.033 और हमें सी की वैल्यू पता चलती है 20 बराबर है तो अभी हमारा विलन मिल गया हम सॉल्व कर सकते हैं तो यूज द फर्स्ट फॉर्मूला मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है so so वैल्यू क्या है कैलकुलेट करिए वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो जीरो ओके सो योर फर्स्ट आंसर इज एम ए मैक्सिमम इज थर्टी पॉइंट थ्री जीरो आपका पहला आंसर आ गया फिर हमने दूसरा क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है हंड्रेड डिवाइडेड बाय एम इंटू वी आर बराबर है सो हंड्रेड एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री वी आर कितना दिया है फिफ्टी कैलकुलेट करिए हंड्रेड डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री इंटू फिफ्टी हाउ मच इट इज सिक्सटी पॉइंट सिक्स जीरो

and the law of machine peak equals to 1 divided by 50 w plus 1.5 find effort lost in friction for a load of 100 kilonewton also calculate the efficiency at this load also find maximum mechanical advantage and maximum efficiency so this is the question very lengthy question and important question okay so let us find out first of all the given data okay सबसे so, so, पहले आपको दिया हुआ है विलोसिटी रेशियो दी फाइव आपको एफर्ट दिया है दशीन वन बाई फिफ्टी डब्लू प्लस वन पॉइंट फाइव यह किलो न्यूटन में दिया हुआ है फिर आपको लोड दिया हुआ है डब्लू हाउ मच हंड्रेड किलो न्यूटन और हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो टू फाइंड एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन मतलब फिर आपको, मतलब और तो ये चार चीजें इस न्यूमेरिकल में हमको सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हम एमएमैक्स और मैक्सिमम निकाल लेते काफी वो थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए तो हमें पता है हमारा जो स्टैंडर्ड लॉ मशीन होता है वो होता है P टू एम डब्ल्यू प्लस सी तो हम इसको कंपेयर करते हैं गिवन मशीन से इज वन पॉइंट फाइव बराबर तो अभी हम क्या कर पाएंगे यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे देखिए अभी क्या करेंगे हम देखिए कंपेयर करेंगे इसको देखो P के जगह पे P है एम की जगह पे क्या है तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई की कितना पॉइंट तो नहीं रहती C. ये 1 50, आ गया. तो हम एमए मैक्सिमम और इफिस मैक्सिमम निकाल पाएंगे सो एम ए मैक्स देखते मैक्स क्या फॉर्मूला एमएम एक्स का वन डिवाइडेड बाय दिवाइडेड बाई जीरो तो आपको एमएमएक्स कितना मिल जाएगा इज कैलकुलेट करिए वन डिवाइडेड बाई जीरो पचास इफिशिय मैक्स का क्या फॉर्मूला है बताइए हंड्रेड डिवाइडेड बाय एम इंटू वी आर राइट सो हंड्रेड डिवाइडेड बाय एम कितना है जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू वी आर कितना गिवन है आपको देखिए वन ट्वेंटी फाइव उ मच इफिशियंसी यू गेट मैक्सिम इफिशियंसीम इफिशियंज फोर्टी परसेंट तो इस मशीन की मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी हो सकती है 40 परसेंट हो सकती है बराबर है मतलब ज्यादा से ज्यादा देखिए 60 परसेंट यहाँ पे लॉस हो रहा है भैया यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है 60 परसेंट फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है 60 परसेंट इसलिए इसकी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी सिर्फ कितनी हो सकती है चालीस तो एक आंसर आ गया अभी हमारे अभी हम पी निकालने की कोशिश करते हैं

फिफ्टी डब्लू 1.5 बराबर है अगर मैंने इस W की वैल्यू यहाँ की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो मुझे P मिल जाएगा एग्जैक्टली करिए इन टू डब्लू कितना है हंड्रेड प्लस वन पॉइंट फाइव सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी हाउ मच वन बाई फिफ्टी 15 हंड्रेड प्लस इज हाउ मच थ्री पॉइंट फाइव किलो न्यूटन मशीन आपको किस में दिया था किलो न्यूटन में दिया था तो ये पीबी में मिलेगा किलो न्यूटन आपको डब्ल्यू भी किलो न्यूटन में है डब्ल्यू भी किलो न्यूटन में है पी भी किलो न्यूटन में है तो इनके यूनिट चेंज करने की जरूरत है क्या नहीं है वैसा ही रहने दो तो जब हम एमए निकालेंगे तो एमए का फॉर्मूला क्या है डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पी सो डब्ल्यू इज हाउ मच हंड्रेड किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई पी इज हाउ मच थ्री पॉइंट फाइव किलो न्यूटन सो हाउ मच एमए यू विल गेट 28.57 ओके सो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं अभी हम एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है MA डिवाइडेड बाय VR मल्टीप्लाइड बाय 100 सो so, MA जो हमारा 28.57 डिवाइडेड बाय VR कितना है VR इज 125 100 तो कैलकुलेट करिए एफिशिएंसी कितनी है तो 28.57 डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड ट्वेंटी देखिए तो इस मशीन की इफिशियंसी कितनी है लेकिन मैक्सिमम अपन तक जा सकते थे चालीस चालीस तक जा सकते थे लेकिन इस मशीन की ट्वेंटी टू पॉइंट एट फाइव अभी हम पीएफ भी निकाल सकते हैं पीएफ का फॉर्मूला क्या है पी माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी आर पी जो मच हमने निकाला था 3.5 पॉइंट फाइव माइनस डब्ल्यू इज हंड्रेड एंड वी आर इज हो मच वन तो आपको पी कितना मिलेगा कैलकुलेट करिए पी 3.5 थ्री पॉइंट फाइव माइनस हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन हाउ मच 2.7 कितना मिला बेटा आपको 2.7 किलो न्यूटन तो यहाँ पे कितना एफर्ट लॉस हो रहा है 2.7 किलो न्यूटन ओके सो दिस इज द क्वेश्चन आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा लेट अस द थर्ड न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है जो हमने आज के दो दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए उन दोनों न्यूमेरिकल में आपको लॉ ऑफ मशीन गिवन था लेकिन अभी ये तीसरे न्यूमेरिकल में आपको लॉप मशीन निकालना है डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस टू क्वेश्चन पढ़ते इसको क्या दिया हुआ है लोड ऑफ 400 न्यूटन एंड 600 न्यूटन मतलब आपको इस न्यूमेरिकल में दो लोड गिवन है बाय एफर्ट्स ऑफ 60 न्यूटन एंड एटीन न्यूटन दो एफर्ट्स दिए हुए आपको 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉ ऑफ मशीन आपको क्या निकालना है लॉ ऑफ मशीन निकालना है एंड एफिशिएंसी एट ए लोड ऑफ 800 न्यूटन एफिशिएंसी भी निकालनी है कितने लोड पे 800 न्यूटन पे इफ वेलोसिटी रेशियो इज 22 वेलोसिटी रेशियो कितना है 22 तो चलो देखते हैं गिवन डाटा निकालते हैं हम गिवन डाटा सबसे पहले लोड वन दिया हुआ है जिसको हम डब्लू वन बोलते हैं कितना 400 न्यूटन डब्लू टू लोड टू दिया हुआ है 600 न्यूटन फिर आपको एफर्ट दिया हुआ है P1. P1 कितना दिया है? 60 न्यूटन और पी टू दिया है आपको 80 न्यूटन फिर एक फिर से एक लोड दिया हुआ है आपको 800 न्यूटन का वेलोसिटी रेशियो दिया है और हमको निकालने के लिए बोल रहा है वो टू फाइंड क्या निकालना है हमें टू फाइंड इफिश एंड ऑफ मशीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है अलग टाइप का, का न्यूमेरिकल है अच्छे से देखना है आप सभी ने मैं बताता तो हूं आपको ठीक है कैसे सॉल्व करेंगे इसको हमें पता है कि स्टैंडर्ड लॉ मशीन क्या है हमारा स्टैंडर्ड लॉ मशीन पी इक्व टू डब्ल्यू प्लस सी इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते क्या P1 MW1 C. लिख सकते सो so, कितना दिया था आपको देखिए 60 M नहीं पता W1 कितना है 400 हंड्रेड प्लस सी इसको हम ऐसे लिख सकते क्या 60 इक्वस टू फोर हंड्रेड एम प्लस सी इसको हम क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर वन इज माई इक्वेशन नंबर वन इसी इक्वेशन को मैं अभी ऐसा लिखता हूं p2 टू इक्वल टू एम डब्ल्यू टू प्लस सी पी टू कितना है एटी एम नहीं पता डब्ल्यू टू इज हाउ मच सिक्स हंड्रेड प्लस सी इसको मैं ऐसा लिख सकते एटी इक्वल टू सिक्स हंड्रेड एम प्लस सी

कैसे करेंगे देखिए इक्वेशन टू क्या है 80 इक्वल तू 600 म प्लस सी माइनस दूसरा इक्वेशन क्या है फर्स्ट इक्वेशन 60 इक्वल तू 400 म प्लस सी इस प्रकार से हमको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना देखिए 80 में से 60 के कितना 20 क्योंकि माइनस कर रहे 80 में से 60 के कितना 20 600 में से 400 गए 200m, 600m में से फोर हंड्रेड एम गए तो कितना बचा टू हंड्रेड एम प्लस और माइनस का साइन है ना जब हम माइनस करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है? थीके? तो प्लस और माइनस सी कट जाएंगे तो हमें क्या मिला यहाँ पे ट्वेंटी तो ये टू हंड्रेड इधर आ जाएंगे तो इधर ट्वेंटी के नीचे चले जाएंगे तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड

सी so, 40, 40, 40 तो तो की वैल्यू कितनी मिलेगी 20, आपको सी की वैल्यू कितनी मिली 20. अभी स्टैंडर्ड ऑफ मशीन क्या है हमारा, P इक्वस टू एम डब्ल्यू प्लस सी तो लॉ ऑफ मशीन कैसे लिखता है यहाँ पे एम की वैल्यू लिखना है और यहाँ पे सी की वैल्यू लिखना है हो गया रिक्वायर्ड लॉ ऑफ मशीन दिस इज लॉ ऑफ मशीन ओके पी इक्वस टू जीरो पॉइंट वन डब्ल्यू प्लस सी लॉ ऑफ मशीन जब भी निकालना है उसमें अपने एम की वैल्यू पुट करना है और सी की वैल्यू पुट करना है एक आंसर आ गया अभी अपना अभी हमको निकालना है इफिशियंसी तो इफिशियंसी के लिए हमें एम ए लगेगा एम ए के लिए पी लगेगा तो हमें पी का इक्वेशन है यहाँ पे पी मिल गया है और हमको ये W की वैल्यू भी दी है तो इस लॉब मशीन में हमने यहाँ पे W की वैल्यू पुट कर दी तो हमें क्या मिल जाएगा पी देखते हैं P, P क्वस्तू कितना जीरो पॉइंट वन डब्लू प्लस ट्वेंटी सो पी क्वस्तू जीरो पॉइंट वन की वैल्यू हमको कितनी दी है एट हंड्रेड प्लस ट्वेंटी

एम ए अपॉन वी आर मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड एम ए कितना आया एट डिवाइडेड बाय वी आर कितना है ट्वेंटी टू इंटू हंड्रेड तो बताइए इफिशियंसी कितनी आई करिए एट डिवाइडेड बाय ट्वेंटी टू इंटू हंड्रेड एट डिवाइडेड बाय ट्वेंटी टू इंटू हंड्रेड तो आपकी इफिशियंसी कितनी आई और मची जी और इफिशियंसी थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स कितने, कितने बेटा समझ में आया होगा। चलो ने नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते न्यूमेरिकल नंबर फोर क्या दिया है न्यूमेरिकल में इन मशीन लोड ऑफ फाइव हंड्रेड न्यूटन वॉज लिफ्टेड बाई एन एफर्ट ऑफ फिफ्टी न्यूटन अनादर लोड ऑफ सेवन फिफ्टी न्यूटन वॉज लिफ्टेड बाई एन एफर्ट ऑफ सिक्स मशीन क्वेश्चन क्वेश्चन तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। डाटा देखते है। लोड पहले दिया है डब्ल्यू वन फाइव हंड्रेड न्यूटन और उसका एफर्ट दिया है पी वन इस फिफ्टी न्यूटन मतलब इस फाइव हंड्रेड न्यूटन लोड को लिफ्ट करने के लिए हमें 50 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है अनादर लोड दैट इज W2 टू इज 750 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 600 न्यूटन तो इसका P2 दिया हुआ है आपको 60 न्यूटन और बोल रहा है वो टू ऑप्टेन मतलब टू फाइंड लॉ ऑफ मशीन तो लॉ ऑफ मशीन निकालना मतलब क्या है एम की वैल्यू निकालना और सी की वैल्यू निकालना ओके okay. तो हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा लॉ ऑप मशीन क्या है स्टैंडर्ड लॉ ऑप मशीन इज पी इक्वस टू एम डब्लू प्लस सी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी वन इक्व टू एम डब्लू वन प्लस सी सो पी वन इज हाउ मच फिफ्टी इक्व टू एम डब्लू वन इज हाउ मच फाइव हंड्रेड प्लस सी सो फिफ्टी इक्वस टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइव हंड्रेड एम प्लस सी दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन फिर हमारा दूसरा इक्वेशन है पी टू इक्व टू एम डब्लू टू प्लस सी बराबर है पी टू इज हो मच सिक्सटी इक्वस टू एम डब्लू टू इज हो मच सेवन फिफ्टी प्लस सी सो यू विल गेट सिक्सटी इक्व टू सेवन फिफ्टी एम प्लस सी बराबर है तो दिस इज ऑवर इक्वेशन नंबर टू तो, दिस इज ऑवर इक्वेशन नंबर टू फिर हम साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन इक्वेशन टू क्या है सिक्सटी इक्वस टू सेवन फिफ्टी एम प्लस सी माइनस फिफ्टी इक्वस टू फाइव हंड्रेड एम प्लस सी राइट जैसे माइनस करते तो नीचे के साइन चेंज हो जाते प्लस का माइनस प्लस का माइनस सीसी गेट कैंसल सिक्सटी में से पचास गए कितना टेन सात सौ पचास एम में से पांच सौ एम गए सात सौ पचास एम में से पांच सौ एम गए तो कितना बचेगा 250 m. तो हमारे पास अभी क्या है टेन इक्व टू टू फिफ्टी एम टू फिफ्टी इधर चले जाएंगे तो टेन डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी टू एम सो एम इक्वस टू कितना मिलेगा फिर आपको कैलकुलेट करिए टेन डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी हाउ मच जीरो पॉइंट जीरो फोर कितना मिला बेटा तो आपको जीरो पॉइंट जीरो फोर तो एम की वैल्यू मिली आपको जीरो पॉइंट जीरो फोर फिर पुट m equals to 0.04 in equation in equation one equation one में put करते हैं 50 equals to 500 m plus c so 50 equals to 500 into m की value कितनी है 0.04 plus c so 50 equals to 500 into 0.04 कितना आ जाएगा 20 plus c 20 इधर चला जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस so 50 minus 20 is c therefore c equals to how much 50 minus 20 is how much 30 तो हमें m भी मिल गया c भी मिल गया हमारा law of motion क्या होता है p equals to m w plus c value put करिए अभी m की value कितनी है 0.04 w plus c की value कितनी 30 तो so, this is our law of motion this is our law of motion okay this is your answer So these are the unit outcome we have achieved.

अगले लेक्चर में हम सिंपल न्यूमेरिकल टाइप फोर के देखेंगे जिसमें हम दो डिफरेंट मशीन्स पढ़ने वाले हैं और उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मच्छे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिए थैंक यू